अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपके मोबाइल की घंटी की तरह आपके नॉलेज की घंटी भी हमेशा बजती रहे। हेलो एवरीवन, दिस सुनील कश्यप और आज मैं आपको बताऊंगा आरएफ ऑडिट के बारे में। आरएफ ऑडिट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अगर इसमें आपने जिस जो ऑडिटिंग वगैरह कर रहे हैं साइट की, अगर आपने इस चीज़ में जैसे कि आपने बिल्डिंग की हाइट गलत बता दी, आपने ओरिएंटेशन वगैरह गलत बता दी, टिल्ट वगैरह गलत बता दिए, तो आपकी जो मतलब कि जिस वजह से आपने उस साइट को ऑप्टिमाइज़ किया है वो पर्पस ही चेंज हो जाएगा। आप मतलब कि कोई आपको इनपुट कुछ और आपने दे दिया है, उधर ऑप्टिमाइजर कुछ और वैसे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने करती है। आरएफ ऑडिट का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आरएफ ऑडिट की कैसे जाती है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आरएफ ऑडिट की कैसे जाती है, आप शायद प्रोफेशनल होंगे, लेकिन इस वीडियो को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ऐसे बंदों के लिए जो अभी अभी हमारे टेलीकॉम फील्ड में कदम रखा, उन्होंने फ्रेशर्स हैं, या ऐसे बंदे जो ऑफिस में बैठ कर एक्सेल पर काम करते हैं लेकिन उनको कभी मतलब कि बाहर आकर कहीं ऑडिट करने का मौका नहीं मिलता है, या खाली उनको थ्रेड का नॉलेज है कि कैसे होती है, तो उन लोगों के लिए मैं आज इस वीडियो को डेडिकेट कर रहा हूँ और मैं आपको लोगों को बताऊँगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आपको आरएफ ऑडिट करना है और कैसे परफेक्टली करना है। तो आरएफ ऑडिट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक साइट पे, तो चलिए एक साइट पे चलते हैं। ओ तेरी, अभी सही जगह पे आया हूँ, तो मैं आ गया हूँ एक साइट पे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या हम ऑडिट करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप किसी साइट पर आते हो तो सबसे पहले आपको काम करना है यहाँ का लैट लॉन्ग लेना है। लैट लॉन्ग कैसे लेना है, जैसे कि आप ये आपके जैसे आप देख रहे हैं टावर है, टावर के बगल में आपको जाना है, टावर के बगल में जाके जाना है आपको गूगल मैप को ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल मैप को ओपन करेंगे यहाँ का आपको दिख जाएगा कि आप कौन से लोकेशन हैं, और जैसे उसके बगल में क्लिक करके आपको वहाँ का लैट लॉन्ग ले लेना है। या तो आपके पास आजकल बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर आते हैं लैट लॉन्ग लेने के लिए, आप उससे भी ले सकते हो। तो अब लैट लॉन्ग लेने के बाद हमको दूसरी चीज़ ये करनी है, हमको पैरानॉर्मिक फोटो निकालना है। तो पैरानॉर्मिक फोटो कैसे निकाल दिया जाती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पैरानॉर्मिक फोटो निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना है आपके मोबाइल में कंपास को ओपन करना है, और कंपास ओपन करने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको 0 डिग्री पे सेट करना है, 0 डिग्री पे यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो एक बार आपको नॉर्थ का डायरेक्शन मिल गया तो आपको सबसे पहले पिक लेनी है 0 और 30 डिग्री के बीच में, क्योंकि टोटल डिग्री हमारी होती है 360 की। अगर आप 360 को 30 से डिवाइड करेंगे टोटल आउटपुट आता है 12, तो हमें 12 फोटो चाहिए हर 30 डिग्री के डिफरेंस। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कंपास को 0 डिग्री पे सेट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री पर अभी हम हैं, तो आपको घड़ी की सुइयों की तरह मूव होना है। हमें कुल 12 स्नैप चाहिए, यानी 360 डिग्री होती है, तो हर 30 डिग्री पे एक स्नैप होना चाहिए। तो पहला स्नैप हम यहाँ ले लेंगे, फिर दूसरा स्नैप यहाँ ले लेंगे। और एक चीज़ आपको नोटिस आपको ध्यान में देना है कि जैसे ही आप पहला स्नैप एंड करें तो दूसरा स्नैप जैसे ही लेंगे तो पहले स्नैप का भी कुछ पोर्शन आप उसको आना चाहिए। तो ये तीसरा आ गया, ये हमारा चौथा आ गया, ये हमारा पांचवा आ गया, और ये आ गया हमारा छठवा। तो बाकी 6 जाने के लिए मुझे किसी और लोकेशन पे जाना होगा। तो ये मेरा 7वां आ गया, ये रहा 8वां आ गया, ये मेरा 9वां है, और ये मेरा 10वां है, ये 11वां आ गया, और ये फिर से 12वां। जैसे कि आप देख रहे हैं पहली इमेज और मेरी जो लास्ट वाली इमेज है वो ऑलमोस्ट थोड़ी उसको 20% सेम ही है। तो आपको इसी तरह एंड करना है, आपको हर एक पोर्शन हर एक इमेज का आधा आधा पोर्शन कंटिन्यू करके रखना है ताकि वो कंटिन्यूटी में रहे, यानी आप जब भी उसको ओपन करके देखें तो आपको पता चले कि हाँ ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो इस तरह इसको हम जो मैंने अभी की है इसको कहते हैं पैनारोमिक फ़ोटो लेना। तो इस तरह से पैनारोमिक फ़ोटो ली जाती है। अब 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें देखना है कि इस टावर पे जो भी पोल लगा हुआ है एंटीना कहाँ लगा हुआ है, या GVT टावर है, या पोल टावर है, या RTT टावर। हमारे केस में हम लोग जो देख रहे हैं जो टावर है ये है RTT टावर, इसे रूफ टॉप टावर कहते हैं। तो हमें इसकी एंटीना की हाइट लेनी है, इस टावर की पूरे टावर कितना हाइट का है वो भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको देखनी है। तो देखते हैं हमारा एंटीना कहाँ कहाँ लगा हुआ है। और एक सबसे मेन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारा मतलब ऐसा इट्स नॉट अ थंब रूल है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको 80% केस में आपको ऐसा है हमेशा मिलेगा जो आपका पहला सेक्टर है वो हमेशा 20 और 60 डिग्री के बीच में होगा। कहीं कहीं अलग होता है कि मतलब कि कलर क्लटर के हिसाब से
चेंजेस कर देते हैं हम लोग, जैसे कि जीरो को 340 या 350 भी बना देते हैं, 320 भी बना देते हैं, तो डिपेंड करता है क्लटर कहाँ कैसा कैसा, बट 80% केसेस में 0 से 60 के बीच में आपको पहला सेक्टर मिल जाएगा। तो आपको जो भी सेक्टर मिले उसका आपको क्या करना है, स्नैप ले लेना है और उसका ओरिएंटेशन वगैरह क्या है वो भी ले लेना है, और उसका जो भी उसका मैकेनिकल टिल्ट क्या है और उसका इलेक्ट्रिकल क्या क्या पड़ा है ये भी चीज़ें आपको ले लेनी है। तो देखते हैं एंटीना कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला एंटीना यहाँ लगा हुआ है, ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे लगा हुआ है, तो ये हमारा पहला सेक्टर है। सेकंड एंटीना यहाँ लगा हुआ है और ये जो थर्ड एंटीना है ये यहाँ लगा हुआ है। इस साइड का जो टावर है कम से कम 15 मीटर का टावर है और हमारा जो एंटीना लगा हुआ है वो लगा हुआ है 7 से 8 मीटर के। तो ये चीज़ भी आपको आपके बुक में आपको मेंशन करनी है कि कहाँ कहाँ एंटीना का हाइट क्या है और टावर का हाइट क्या हुआ है और कैसे एंटीना लगे हुए हैं, कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी। तो इस तरह से की जाती है किसी भी साइट की ऑडिट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की नई नई वीडियो, अनोखी वीडियो जो टेलीकॉम में कहीं आपको देखने को नहीं मिली, मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और डू व्हाटएवर यू वांट यार।